दौरान भव्य राम बारात का हुए राजधानी लखनऊ में बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिए ग्रामीणों की एक अच्छी पहल सामने आई है। ग्रामीणों ने गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए कोट पहनाए हैं। मोहनलालगंज विकासखंड में आने वाले कांटा करौंदी गांव में गौवंश पशु आश्रय केंद्र में तकरीबन 133 जानवर हैं, जिनको ठंड से बचाने के लिए ग्रामीणों ने घर से बोरों को जमा कर जानवरों को पहनाया, जिससे कि जानवरों को ठंड से बचाया जा सके। वही लखनऊ के कांटा करौंदी स्थित गौवंश पशु आश्रय केंद्र में इंडिया न्यूज ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाते हैं आपको। ठंडक की शुरुआत हो गई है, ऐसे में जो बेजुबान जानवर हैं उनको भी सर्दी बहुत ज्यादा सताती है। हालांकि सरकार ने जगह जगह पशु आश्रय केंद्र बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे बेजुबान गौवंश जो पशु हैं वो आपको सड़कों पर इस सर्दी में बाहर ठिठुरते हुए मिल जाएंगे। वहीं जो कुछ ऐसे भी पशु आश्रय केंद्र हैं जहां पर लोगों ने अपनी व्यवस्था से उनको काऊ कोट पहनाने का काम कर रहे हैं, लगातार इन बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही एक पशु आश्रय केंद्र पर है, हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड में आने वाला ये ग्राम पंचायत कांटा करौंदी का पशु आश्रय केंद्र है, गोवंश आश्रय केंद्र है, जहां पर एक जो यहां के ग्रामीण है उनकी एक अच्छी पहल रही है कि उन्होंने काऊ कोट की व्यवस्था की है ताकि इन बेजुबानों को ठंड से बचाया जा सके। हमारे पीछे देख सकते हैं लगातार लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी व्यवस्था में आप देख रहे हैं किस तरह से जितने भी यहाँ पर गौवंश के जानवर हैं उनको लगातार कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर लगे हुए, पूरे ग्रामीण हैं जो अपनी व्यवस्था करके खुद की व्यवस्था से ही सभी बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिए उनको कोट पहनाने का काम कर रहे हैं। एक तरह का ये जो बोरी है उससे उनको ढकते हैं ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। हमारे साथ में वो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी व्यवस्था इन लोगों ने की है। सर क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। अजय जी, हमने देखा आपने काफी व्यवस्था अच्छी की है, पूरा गांव मिलके जो व्यवस्था कर रहा है, किस तरह से इन बेजुबानों को सर्दी से बचाने के उपाय किए गए? देखिए, हम एक बार इधर टहलते हुए दो तीन दिन पहले आए, तो हम सुबह टहला करते आए तो देखा कि थोड़ा सा ठंड ज्यादा हो रही है, तो उसके पहले हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हमारे BDO साहब और जो हमारे सप्लाई के अधिकारी हैं उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था कि आप लोग जा करके वहां देखें क्या व्यवस्था, आप लोग जो भी धर्म कर सके वो करें। तो हमने सोचा चलो भाई, हम अपनी व्यवस्था से लगभग 50-60 जो हमारी गाऊ हैं या अन्य जानवर हैं उनको हम ये झूल जो है उड़वाने का काम करते हैं, और हम अपने द्वारा ही इस चीज को व्यवस्था किया है, और अपने जो और भाई लोगों से मांग मांग के या हम मोल लेकर के या किसी तरह से हम जिस तरह से समझ में आया मैंने हम इसको लाए और इन जो जानवर हमारे बेजुबान हैं इनको हमने उड़ाया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गांव मिलके इन बेजुबानों को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, देख रहे हैं आप लोग लगातार लगे हुए हैं, कितने पशु हैं इस आश्रय केंद्र में? इस पशु केंद्र में 133 पशु हैं जिनको ये काम किया जा रहा है, उनको टोटल कर दिया जाएगा कल शाम तक को। सबको काऊ कोट पहनाया जा रहा है? काऊ कोट पूरा पहना दिया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ देखा आपने कि किस तरह से जो बेजुबान जानवर हैं, जो गौवंशी जानवर हैं, जो पशु आश्रय केंद्र में रह रहे हैं, करीब 133 ऐसे जानवर बताए जा रहे हैं जिनको सर्दी से बचाने के लिए इन गांव वालों की एक अच्छी पहल की गई है, उनको काऊ कोट पहनाया जा रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।